नाम है भैया इफेक्ट, हमने बताया थे क्या क्या है इसके पास में, जल्दी बोलो। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, रियाज हम बहुत सारा एक दर्जन, इसमें अभी हमारे पास तीन को बचा है, लाए तो थे एक पैकेट लेकिन तीन को बचे है ना, करेंगे देखिए, लिख देंगे कि रेस्ट से मोशन तो हो जाएगा, फिर पूरा सेंटेंस बोलिएगा। अब क्या बोलिए ना, हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। फोर्स लगा के आप उसको क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते, ऐसा बोलिए ना। और फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं उसको, रेस्ट में रख सकते। दूसरा बताया था ना, तीसरा बोलिए और कोई, हाँ स्पीड को कम एंड ज्यादा कर सकते हो ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका वस्तु जो है मोशन में है, तो फोर्स अप्लाई करके उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, सही है। और तीसरा क्या होगा, अच्छा डायरेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। इसमें फोर्स का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है भैया, जो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है मोशन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर आपको उसके डायरेक्शन में क्या करना है, चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके फोर्स अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, बॉलर भैया किसी और डायरेक्शन में बॉल को क्या करता है, थ्रो करता है, फिर बैट्समैन इसको क्या करेगा, बॉल को हिट करेगा किसी और डायरेक्शन, ठीक है। और क्या सेफ एंड साइज क्या हो सकता है, सेफ एंड साइज चेंज हो सकता है ना, सीधा डायरेक्ट बोलेंगे सेफ एंड साइज, ठीक है। शेप एंड साइज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, ठीक है, बैठ जाइए। इसके बाद हमने आपको दो टाइप्स के फोर्स के बारे में बताए, क्या कौन कौन से टाइप्स के फोर्स है, या वैसे बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन भैया हमने सिर्फ दो टाइप्स के बारे में बताए थे, कौन कौन से टाइप्स है, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, खड़े हो गए। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या, बैलेंस नाम तो ही है बैलेंस, हम इसको कैसे डिफाइन कैसे करें, क्या कंडीशन है बैलेंस फोर्स का, डेफिनेशन इधर साइड से इधर साइड से कौन सा डायरेक्शन कैसा, अब हम बोलेंगे हमारे ऊपर इधर साइड से इधर साइड से, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और बीचे बीचे बैलेंस तो बैलेंस हो गया। पता है ये लॉजिक है कि किसी भी, अब कोई थोड़ी है इधर साइड से बोलेंगे लिखना ऐसे ही और बैलेंस फोर्स लिखोगे, एक इधर साइड से इधर साइड से बैलेंस लिखना पड़ता है उसके पीछे। मैं इसीलिए भैया आपको बोला नोट लिखवाना बंद कर दिया, आपको जो भी है पूरा मैं एक पीडीएफ दे रहा हूँ, पूरा उसमें पूरा डिटो लिखा हुआ, सिर्फ क्लास में समझना है आपको, जो चीज आपको लगता है वो आप बोर्ड से आप छाप सकते हैं, उस चीज को अच्छे से समझाया जाएगा और हर एक पॉइंट उस नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अपने हिसाब से मैंने आपको उस दिन भी करवाया था, जैसे ही क्लास खत्म होता है भैया आपको 10 मिनट दिया जाएगा, आप क्या समझे हैं अपने लैंग्वेज में उसको लिख दीजिए, ऐसे आपको मिलेगा इंग्लिश में पूरा दिया हुआ नोट आपको पूरा मिलेगा, लेकिन जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं उसको अपने हिसाब से, भैया उर्दू में इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में, इंग्लिश मतलब भैया इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स, तो आप जैसा भी लिखना चाहे आप क्या समझे हैं पूरे दिन का क्लास का वो सारी चीज भैया नोट डाउन कर लो तो बढ़िया है, या तो अभी करो या कल से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं नोट डाउन करोगे तब तक ये नहीं पता चलता कि हमें क्या समझ में आया है और कौन सी चीज में डाउट है, इसको हमें जाके फिर से पूछना है, ठीक है। ये बैलेंस फोर्स की वजह से नेक्स्ट टाइम तो पूरा पढ़ के आना, मैंने लिखवाया था आपको पढ़ के नहीं आया भैया, देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बैलेंस फोर्स के बारे में बताया था और एक अनबैलेंस फोर्स है भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितना भी फोर्स अप्लाई करो, चाहे 10 लगा दो, 20 लगा दो, 25 लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं, अगर उसका नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा भैया, बैलेंस। हम ये नहीं बोलेंगे कि एगो हमने उधर से लगा दिए है, एगो उधर से लगा दिया, बैलेंस भैया। अगर आप देखो ध्यान सुन लो, कोई जरूरत नहीं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा भैया, मास होगा, ठीक है।
अब इस पे देखो, मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स, दो फोर्स लगाया, क्या लगाया हूं, इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब एक है 10 न्यूटन का, तो दूसरा भी कितना भी है 10 न्यूटन का, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है ही नहीं, दोनों का डायरेक्शन कैसा है अपोजिट है। तो भैया इसका जो नेट फोर्स जो होगा है ना, वो नेट फोर्स कितना कहलाएगा, जीरो, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है, बैलेंस। मैंने आपको समझाया था भैया, अगर देखो बैलेंस कंडीशन में, देखो ध्यान से समझिएगा, फिर इसके बारे में और समझाएंगे। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको भैया हमें यहीं पे होल्ड करके रखना, होल्ड मतलब पकड़ के रखना है, तो भाई अगर इसको आपको यहीं पे रखना है तो आपको दोनों तरफ से कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ पर रुका हुआ भैया एक तरीके से स्टेशनरी मिलेगा, है ना। अगर इस पे अनबैलेंस अगर किसी भी तरीके से मैं छोड़ दूं हल्का सा भी, तो भैया क्या होगा, सीधा नीचे आ जाएगा, है ना। तो अगर आप देखो, इधर से भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और इधर से भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब दोनों से सेम अमाउंट के मैग्नीट्यूड का आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है भैया, अपोजिट है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, क्लियर है, सही है। अब देखो ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको उस दिन क्या क्या बताया था, सुन लो भैया एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने आपको उस दिन जो बताया था, देखो पहले तो हम ये बात किए थे भैया, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 4 है, ये 11 बजे एक क्लास चलता है, 10 से 11 फिजिक्स का, उसमें भी बैठेगा, सॉरी बोलता, उसमें भी बैठेगा, और वहां पर चैप्टर नंबर 1 चल रहा है फिजिक्स का, वो बायो का क्लास है, इसलिए तुमको ऊपर बिठाया है, वाला मैथ से, तो वो उसमें फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 अभी कंप्लीट होने वाला है, एरर चल रहा है, तो थोड़ा उसी में जाके बैठिएगा तो ठीक रहेगा। ये चैप्टर नंबर 4 है, ये स्टार्टिंग है, और वैसे 9th क्लास में पढ़ना होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ मोशन है भैया, गति के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने आपको बताया कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मतलब क्या क्या आप पढ़ने वाले हुए, हर चीज एक एक करके, जिसमें हम एक सबसे पहला टॉपिक फोर्स स्टार्ट किए थे, फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, फोर्स के बारे में, उसके द्वारा, फोर्स के द्वारा होने वाले इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात की थी, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बैलेंस फोर्स हमने बताया था, 2 टाइप्स के फोर्स को, इसके बाद क्या अनबैलेंस। मैं आपको यहाँ पर एक चीज पूछ रहा हूँ भैया, अगर आपसे कोई ये पूछे, जैसे आपने अभी 5 प्रकार के 5 टाइप्स के इफेक्ट ऑफ फोर्स, भैया और बहुत सारे इफेक्ट हैं, अभी फिलहाल हम 5 टाइप्स का देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझसे कोई पूछ रहे भैया कि आप इफेक्ट बताओ, सॉरी देखो भैया ध्यान से सुनना, इधर सुन लो, पहले अच्छे से सुन लीजिए भाई साहब, आपको बैलेंस फोर्स के द्वारा होने वाले क्या क्या इफेक्ट होंगे किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक एक करके बात, ठीक है, और सुनिएगा, हम कंपेयर करेंगे उसको इसके साथ भैया, तो यहां पर जो हमने बताए थे इफेक्ट ऑफ फोर्स को उसके साथ, मैंने आपको क्या बोला हुआ था सुन लेना, कि अगर कोई भी बॉडी भैया रेस्ट पे है ना, तो उस पर फोर्स अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, मोशन में ला सकते। अब ध्यान से समझिएगा भैया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में, ऑब्जेक्ट कैसा है, बॉडी कैसा है, रेस्ट में। एक चीज बताना भैया, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा तो इस पर आप फोर्स अप्लाई करके इसको क्या किए थे, मोशन में ला। अच्छा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक बैलेंस फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं भैया, एक 15 न्यूटन का एक फोर्स इधर से लगा दिया और एक दूसरा भी फोर्स मैंने 15 न्यूटन का एक लगा दिया, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा या नहीं होगा, होगा क्या पॉसिबल नहीं, क्योंकि सर ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पे था, है ना, और इस पे जो आपने जो फोर्स लगाए हैं उसका नेट मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा,
भले ही आपने दिख रहा है दो फोर्स, लेकिन हर जगह दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा, कैंसिल है ना, तो इस पे नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया, मतलब रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो रेस्ट में था वो हमेशा के लिए कैसा रहेगा, रेस्ट, समझ में आया। तो पहला इफेक्ट जो हमने फोर्स के लिए बात किए थे कि अगर फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को भैया मोशन में ला सकते हैं, याद रहे वो जो मोशन में जो आप लाएंगे वहां पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ना कि बैलेंस, अगर आप वहां पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन में नहीं आएगा, क्लियर है, समझे, ठीक है। अब देखो भाई साहब, दूसरा कंडीशन है जस्ट इसका अपोजिट ही की बात कर रहे थे, सुनिएगा ये दूसरे कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट जो अगर कोई मोशन में है इसमें आप फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते। एक एग्जांपल है, अब ध्यान से समझना इसको, ये जैसे मैंने यहां पर बोला हुआ था, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये कैसा है भैया, मोशन में, मान लो ये कैसा है, मोशन में, मतलब मूव कर। एक चीज बताओ, सबसे पहली बात, अगर मुझे इसके ऊपर एक एग्जांपल के तौर पे ये मूव कर रहा है, सोच समझ के बताइएगा, अगर मान लो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यहां से भी आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या ये रेस्ट में होगा या मोशन में ही रहेगा, सोच समझ के बताइए। क्या ये रेस्ट में आ जाएगा या फिर मोशन में ही रहेगा, बोलिए भैया, पक्का मोशन में ही रहेगा भाई साहब, 100% है मोशन में ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर अनबैलेंस, फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर जो नेट जो है ये अगेन क्या है, जीरो है, मतलब इस तरीके से आपने कुछ एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई तो किए नहीं है ना, तो ये मोशन में ही रहेगा भाई। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर अगर आप मोशन वाले ऑब्जेक्ट में बैलेंस फोर्स अप्लाई कर देते हो तो ये मोशन से क्या होगा, रेस्ट रहेगा, रेस्ट, बताऊंगा आगे चल के। अभी दूसरा, तीसरे कंडीशन के ऊपर बात कर लेते भैया, ध्यान से सुनना, तीसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बोला कि भैया स्पीड को कम एंड ज्यादा कर सकते हैं, एक चीज बताओ, स्पीड को कम एंड ज्यादा कर सकते हैं, क्या अनबैलेंस फोर्स नहीं बोल रहा, बैलेंस फोर्स अप्लाई करके क्या मैं स्पीड को कम ज्यादा कर सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि भैया अभी हमने देखे कि अगर वो मान लो रुका हुआ है, उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा के लिए क्या होगा, रुका ही रहेगा, चल भी नहीं करेगा, स्पीड में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, भैया अनबैलेंस फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, स्पीड में कम ज्यादा कर सकते, लेकिन अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात करूं तो वहां पर कम ज्यादा नहीं हो सकता, समझे, है ना। इसके बाद अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, क्या डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या भैया, आप इक्वल, जैसे सपोज मान लो कि मैं भैया यहां से इधर की तरफ चल रहा हूं, मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो कोई मुझे इधर से धक्का दे रहा है, कोई इधर से धक्का दे रहा है, भैया धक्का तो दे रहा है दोनों तरफ से, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, लेकिन मैं मेरे पास तो अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, अरे भाई है ना, तो फिर भी उसके ऊपर डायरेक्शन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सबसे मेन चीज है आपका जो अभी आपको सोच के बताना है, उसके लिए बात करते भैया हम शेप एंड साइज के बारे में। भाई आपने अभी चारों कंडीशन देखे हैं, अब मुझे बताओ कि बैलेंस फोर्स से सर रेस्ट वाला रेस्ट में ही रहता है, मोशन वाला मोशन में रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है ना, क्या इससे शेप एंड साइज पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बैलेंस फोर्स का मतलब भैया नेट फोर्स कितना, जीरो, नेट फोर्स कितना, जीरो, तो क्या इसके शेप एंड साइज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, हाँ बोल भैया, क्या शेप एंड साइज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, बोलो, नहीं तो मैं पूरा
जल्दी बोलो, सोचो। बोल भैया। अरे बोलो रे। भाई साहब, क्या वो बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, दोनों के द्वारा आप शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लीजिए एक तरीका से। एक देखो, एक फुटबॉल का है, एक बलून है। अब देखे होंगे तो ये मेला में क्या होता है, इसी टाइप का बलून पकड़े, अंदर घुसा के एप्पल का शेप बना दिया जाता है। ठीक है, सुन ले। अब देखो भैया, यहाँ पर मैंने कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, आपको दिख नहीं रहा होगा अंदर से। देखो जहां पर आप फोर्स लगाते हो ना, वो थोड़ा सा अंदर फंस जाए, जैसे ही थोड़ा सा अंदर फंसेगा मतलब शेप एंड साइज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, कैसे बोल रहे थे नहीं हो रहा है ना। अगर मैं मान लो ज्यादा मैग्नीट्यूड लगाऊ तो देखो क्या, पहले ऐसा था अब देख कैसा हो, है ना। ये मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट है ना। अब इतना भी मत कर कि भैया ये फट जाए, है ना। अगा? अगर मैं जोर से और ज्यादा मैग्नीट्यूड लगा तो एक तरीके से रोटी बन जाए, नहीं बनेगा अगर, है ना, फिर चिपक जाएगा ना। बात अलग है कि बलून है, फट जाएगा तब। ठीक है, तो मेन कंडीशन है कि अगर आप शेप एंड साइज के बारे में बात करते हो तो देखो, जब शेप एंड साइज की बात करें कैसे भी भैया, अगर मान लो देखो यहां से की बात कर रहा हूँ, इधर से भी दोनों कंडीशन से भी शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दोनों हाथ से, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। तो भैया शेप एंड साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बोल लो भाई, हुआ ना। तो भाई आप बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, दोनों कंडीशन से आप शेप एंड साइज क्या कर सकते, चेंज कर सकते, है ना। लेकिन याद करो वो दिन, दो दिन पहले वाला, दो दिन का, तीन चार दिन पहले वाला, जब हमने आपको पहला क्लास में भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया था। देखो भैया इसके बारे में बात करेंगे तो आपको लिखवा के नहीं दिया था, 6 नंबर वाला कंडीशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि अगर आपका बैलेंस फोर्स है या कोई भी फोर्स है जिससे भैया आपके स्टेट में चेंज, याद आया कुछ, याद आया कुछ, चेंज स्टेट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। लेकिन सुनना, अगर मैं यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स की बात या बैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ, सुन लो भैया, सुनिएगा, यहाँ पर अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी पूरा चीज वही फिर से रिपीट किया हो आपके लिए, भाई वही चीज फिर से रिपीट है ना, पूरा हर एक कंडीशन तो वही रिपीट है। तो क्या अब मुझे बताओ, क्या इस बैलेंस फोर्स के द्वारा स्टेट में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई बैलेंस की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर बैलेंस फोर्स की बात करूं तो बैलेंस फोर्स के द्वारा क्या स्टेट में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। स्टेट का मतलब भैया पता है ना, उस दिन भी बताया था भैया, स्टेट का मतलब हम बात कर रहे हैं पोजीशन के बारे में। देखो अभी यहीं पे दो कंडीशन से बात कर लेना भाई, अगर आपने बैलेंस फोर्स लगा दिए, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से रेस्ट में ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस फोर्स का, यहां पर मोशन में आप बैलेंस फोर्स लगा तो दिए लेकिन कोई क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स का, नहीं। तो जब भैया इस फोर्स का मतलब बैलेंस फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो पोजीशन में भी किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब अगर आप बैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो बैलेंस फोर्स से हम स्टेट में चेंजेस नहीं आ रहे, किससे रहेगा, किससे रहेगा, किससे रहेगा, अनबैलेंस फोर्स से ही आपका क्या होगा, स्टेट में चेंज। क्लियर, बोल भैया, तो बोल कम से कम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को आपका, इसमें कोई डाउट नहीं किसी का। चलिए फटाक से बैलेंस और अनबैलेंस के लिए लिख दीजिए, जल्दी 5 मिनट में टाइम है, जल्दी फटाक से लिखो, जल्दी करो, जल्दी जितना भी चीज बताया गया है आप अपने हिसाब से लिखिए, जल्दी उस चीज को जल्दी करो। अरे फिर से लिख भैया, जल्दी करिएगा। चलिए हो गया सबका, यहां तक भैया हो गया,
सुनिए, अब भैया बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखो मैंने आपको फोर्स से रिलेटेड जो भी था भैया वो आपको बता चुका हूँ, है ना। फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत और हम पढ़ेंगे, याद होगा हमने आपको बताए थे सबसे पहले क्लास में जब आप यहाँ पर आए होंगे, और मैंने आपको बताया था भैया फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आप 12th तक, क्या आगे जहाँ तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको वो चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, जिसका नाम है भैया यूनिट्स एंड डायमेंशन, याद है। अरे हाँ नहीं पढ़े ना यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। अब तो देखो भैया अभी मैंने आपको ना तो सिर्फ फोर्स के बारे में बताया, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या है वो अभी तक नहीं बताया हूँ, क्योंकि हम उसको आगे थोड़ी देर के बाद हम फिर से पढ़ेंगे। जब मैं आपको न्यूटन के लॉ के बारे में बात करूंगा तब मैं आपको अगेन फिर फोर्स के बारे में बताएंगे और उसका यूनिट्स क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। अभी बता देंगे तो आपको रटना पड़ेगा, अगर वहां पर बताएंगे तो आप समझ सकते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत चीज है भैया, जिसका नाम है इनर्सिया। भैया इनर्सिया क्या होता है? देखो भाई साहब, अगर मैं इनर्सिया में एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, समझिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही बता रहा हूं, जैसे सुन लीजिए भैया गौर से सुनिएगा, यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर हो जाता है एक थप्पड़ देने से। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा चीज आपको क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से समझना। मान लो भैया कोई एक बॉडी ए है, ठीक है, और एक कोई दूसरा बॉडी क्या है, बी है। क्या है भैया, कोई एक बॉडी ए है और कोई दूसरा बॉडी क्या है, बी है, ठीक है। दोनों का मास भैया एम है, कितना है मास, एम। मतलब मान ले एम मास, मतलब मान लो ए का वजन भैया 10 किलो तो बी का भी वजन कितना, 10 किलो। दोनों का मास क्या है, बराबर सेम। अब ए जो है वो रेस्ट पे, लेकिन बी जो है भैया वो वी वेलोसिटी से भाग रहा है, दौड़ रहा है, मोशन क्या कर रहा है वो। देखो समझिएगा मैंने यहां पर क्या बोला हूं कि एक बॉडी ए जिसका मास एम है लेकिन वो कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है। दूसरा बॉडी भैया बी जिसका मास कितना है, एम है, लेकिन वो कितने वेलोसिटी से भाग रहा है, वी वेलोसिटी से। मतलब भैया एक तरीके से देखा जाए तो ये किसमें है, मोशन, किसमें दिया हुआ है, मोशन। तो अब मुझे एक चीज बताना, अगर ये रेस्ट में है एम मास लेके और ये मोशन में एम मास लेके, तो क्या इसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, या चाहे वो रेस्ट में रहे या चाहे वो मोशन में रहे, जो मास है उसका मास वही हो, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भैया जो रेस्ट वाले पोर्शन का जो इनर्सिया है और वो जो मोशन वाले बॉडी का जो इनर्सिया है, उन दोनों का इनर्सिया क्या होगा, सेम होगा, किसी भी टाइप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया याद रखिएगा इनर्सिया जो होता है वो डिपेंड्स करता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया मास का। मैंने आपको ये चीज समझाया था कि अगर किसी भी बॉडी का मास, समझिएगा, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस बॉडी का इनर्सिया भी क्या होगा भैया, ज्यादा, है ना। मैं एक एक करके एग्जांपल लूंगा फिर समझना। अगर किसी भी बॉडी का भैया मास बहुत कम है तो उसका इनर्सिया क्या होगा, कम। भैया बॉडी अगर आपका रेस्ट में है या मोशन में, इससे आपके मास के ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर बॉडी आपका रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसके मास में किसी भी टाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप खुद सोचो भाई, एक आदमी है, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरा वजन 200 किलो, हंसना नहीं है, कितना है 200 किलो, और कोई एक और दूसरे इंसान है जिसका वजन 150 किलो, तो ये जो 150 किलो वाला है वो भी बैठा हुआ है और जो मैं हूँ मैं दौड़ रहा हूँ, है ना। क्या मेरा वजन दौड़ने के बाद क्या 150 हो जाएगा, 200 ही रहेगा, उसमें कोई तो प्रभाव। अब आप कितने भी वेलोसिटी से भागेंगे, चाहे वो आप 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागिए
या भैया अगर आप 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भागिए, वेलोसिटी को आप कितना भी चेंज कर दो, क्या आपके मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन है आपका इनर्सिया। इनर्सिया एक प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी बात है, किसी भी बॉडी के, है ना। तो ये जो इनर्सिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो मास। समझ में समझ गया था? अब देखो इसके हर एक एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इसमें एक सबसे पहला कंडीशन है, देखो ध्यान से मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आप उसके टाइप्स ऑफ इनर्सिया को एक एक करके बात कर लेंगे। तो मैं सबसे पहला जैसे एग्जांपल लूंगा उसके बाद बताऊंगा भैया ये इस टाइप के इनर्सिया है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल भैया आपने कभी देखे होंगे, कभी आप हुआ है ये बस में सब चढ़े होंगे, बस में चढ़ते हैं ना। बस में भैया दो चीज बहुत अहम चीजें जो होता है, सबसे पहला चीज कि अगर आप किसी चलते हुए बस में भैया खड़े हैं, है ना, खड़े हैं, अगर वो बस क्या कर चल रहा है और वो अचानक सडनली ब्रेक अप्लाई कर देता, आप आगे की तरफ क्या होते जुड़ जाते, रीजन क्या? दूसरा सुनिएगा, अगर बस भैया रुका हुआ है, रुका हुआ है स्टैंड पे, आप गए खड़े हो गए बस, बस क्या क्या अचानक चल दिया, आपका पूरा बॉडी भैया पीछे की तरफ चल गया, दो चीज होता है, होता है ना भैया। अब देखो नॉर्मली क्या होता है जो आप देखे होंगे आजकल बाहर सब में, यहाँ पे तो बिहार में तो हमको आइडिया नहीं है, कहीं पर भी चालाका कटता है, पटना में कट कर चालान कट जाता है, आप सीट बेल्ट नहीं बांधने रहेंगे ना तो आपका चालान कट जाए, कितना रुपया नहीं बताएंगे। सीट बेल्ट होता है ना गाड़ी के ड्राइव करते हैं, मतलब आगे वाले पोर्शन पे जो भी बैठा रहता है भैया सीट बेल्ट, उस पर आप नहीं बांधे रहेंगे तो आपका चालान कट जाए। और एक चीज गौर कर लो भैया, आपके बॉडी का दो पार्ट है, एक कमर की बात करो, कमर से नीचे वाला लोअर पोर्शन होता है और कमर से ऊपर वाला क्या होता है अपर पोर्शन, है ना। अब देखो लचीला जो है आगे पीछे कहाँ से होता है, कमर से ही होता है, आपका पैर नहीं आगे और पीछे होगा, ये देखना जब भी आगे पीछे होता है ये ऊपर वाला पोर्शन ही होता है, आपके कमर से ही आपका पीछे जाएगा और यही आगे जाएगा, ये भी एक लॉजिक, ये भी एक कंडीशन है। रीजन समझता, सबसे पहली बात इसके बारे में बात करते, सुन लो भैया, इसी लॉजिक के द्वारा न्यूटन्स ने पहला नियम दिया, न्यूटन्स का सबसे पहला नियम इसी लॉजिक से आया था, और क्या आया था समझेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये है, मैंने अभी आपको बोला हूं कि भैया अगर कोई बस है जो रुका हुआ है अभी फिलहाल, जिसपे आप सडनली क्या होता है वो स्टार्ट हो जाता है, आप खड़े हैं उस बस के अंदर में और सडनली वो स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो बॉडी पोर्शन है वो पीछे की तरफ क्या होता है झुकता है, रीजन तो भाई पैर आपका पीछे की तरफ नहीं झुकता है, आपका बॉडी पोर्शन क्या ऊपर वाला बॉडी पोर्शन पीछे की तरफ क्या होता है झुक जाता है। सुन लीजिए भाई होता क्या है, ये मान लो बस है, ठीक है, ये बस के ऊपर जो आप देखते हैं भैया चक्का उसके ऊपर रखा रहता है ना, जब आप इसके ऊपर चढ़े रहते हो भैया तो आपका पैर का सीधा कॉन्टेक्ट क्या है तो उसके सरफेस के साथ वो चिपका रहता है, ऐसा तो थोड़ी क्या हवा में चलाते रहते क्या रहे भैया, सीधा उसके कॉन्टेक्ट रहता है ना। अब देखना ध्यान से सुनना भैया, ये तो रुका हुआ है, क्या है रुका हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था चाहे वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखना जैसे देखो, अब जैसे सपोज मान ले भैया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है रुका हुआ है ना, और इसको मैं गौर कीजिएगा आपको दिख रहा है, सबको पेन दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है ना, देखो अगर मैं सडनली इसको ये आगे की तरफ करता क्या हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है, देखो अगर मैं इसको सडनली आगे की तरफ करता क्या ये पेन पीछे की तरफ हुआ नहीं हुआ। रीजन यही है कि भैया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में रखना चाहते हो तो वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, हमेशा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी फोर्स न लगे। समझ में क्या बोल रहा हूँ भैया, ये तो रेस्ट में है बस अभी, है ना, और ये ऑब्जेक्ट भी मतलब जो भी इंसान है वो भी चढ़ गया इस बस के ऊपर, तो भैया अभी तो बस रुका हुआ है रेस्ट में, लेकिन बस चला आदमी तो नहीं चला, आदमी क्या बोलेगा भैया ये तो रेस्ट में है हम भी तो खड़े हैं, लेकिन जैसे ही उसको झटका लगेगा तो वो पीछे की तरफ क्या होगा, समझे यार, अरे समझे। अब सेम कंडीशन होता भैया
कि भाई पहला कंडीशन मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सपोज मान ले आप लोग खुद भैया जहां बेंच पे डेस्क पे बैठे हुए कोई आके खींच ले क्या होगा, आप ऐसे होंगे कि नहीं होते हो? नॉर्मल कंडीशन कि अगर आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह पे आप क्या चाहते हैं, हमेशा रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे है ना, लेकिन सडनली आके मोशन दे दे है ना, तो भैया मास तो चेंज नहीं होते जिसके कारण कि वो कब ज्यादा करके आपको एडजस्ट कर है ना, तो बॉडी को बैलेंस होने के लिए भैया थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या करना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है और जैसे आप झुकेंगे फिर सडनली हाँ देख सकते पतला दुबला आदमी सडनली धक्का लगा दे तो भूल खुदना टूट गया नहीं टूटना है। अब हमारे जैसे आदमी भैया चलेगा ट्रेन में या बस में कितना भी धक्का लगा दो तार गाछ की तरह इतना मोटा शरीर है हाथी की तरह तो हिलेगा क्या, हिलेगा थोड़ा सा असर होगा धक्का लगेगा है ना। अब ध्यान से सुनना, ए सुन ये तो चीज बता दी है भाई, लेकिन आपने कभी लॉजिक सोचे क्या भी कि सर ये पैर जो है नीचे वाला पोर्शन वो आगे पीछे नहीं होता, ऊपर वाला पोर्शन भैया आपके जो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से आपका जॉइंट है जो आगे पीछे आप मोड़ सकते हैं यहाँ से मूव होता ना ये कमर से, तो भैया इसका जो है कॉन्टेक्ट किसके साथ हो जाए, सीधा पैर के साथ, इसके साथ कॉन्टेक्ट है सीधा पैर के, भैया ऊपर वाले पोर्शन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता। तो जब जैसे सपोज मान लो आप कोई भी चीज को खींचेंगे, सुन ले जो कोई भी चीज को खींचेंगे तो नीचे से अगर खींचेंगे तो पैर तो वैसे ही आएगा, ऊपर वाला क्या करेगा उस चीज को बैलेंस करने के लिए भैया पीछे की तरफ मुड़ के क्या करता है सीधा, समझ में आया? तो कॉन्टेक्ट सीधा पैर के होने के कारण पैर आगे पीछे नहीं होता है, आपके ऊपर वाला जहां से मूवमेंट होगा वो वाला कंडीशन क्या होता है भैया आगे पीछे, ठीक है। और सेम रीजन भाई आपके मोशन वाले कंडीशन में कि अगर मान लो यहाँ पर आप है सुन ले रहा बस चल रही है चल रही है चल रही है रुक लिया देखो आगे की तरफ जा रही है, देखो यहाँ पर मान लो आप बैठे हुए हैं बस भैया चल रही है चल रही है चल रही है रुक लिया आगे की तरफ गया सडनली, जो पहले क्या था मोशन में था तो पीछे की तरफ जा रहा था मतलब रेस्ट से आगे की तरफ, अब देखो भाई यहाँ पे तो अभी तो चल नहीं रहा है कुछ कुछ नहीं हो रहा इसमें चल रही है चल रही है चल रही है रोक लिया आगे की तरफ गया, मतलब स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप स्पीड ज्यादा रखेंगे रोक लिया सेम कंडीशन होता है। अब देख सुनना भैया यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, मान लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट भैया वो मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है मोशन में है तो भैया वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक उसके ऊपर आप किसी भी टाइप का बाहरी बल, समझ में जब तक उसके ऊपर कोई भी बाहरी बल न लगा दे, और जैसे ही आप बल लगाएंगे तो क्या होगा आप खुद देख रहे हैं भैया आप बल मतलब फोर्स लगा रहे हैं ब्रेक लगा रहे हैं तभी तो वो आगे की तरफ क्या होता है छूट गया है ना, ये कंडीशन है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है भैया इनर्जी है। सुन लो देखो भैया इसी चीज को न्यूटन जी ने सबसे पहले कंडीशन में बताया था, और न्यूटन्स का पहला लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सुनिएगा क्या बोला है, सुन लो क्या बोला है भैया, अगर कोई भी वस्तु रुका है तो वो हमेशा रुका ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा गति में ही रहेगा, कब तक, जब तक हम उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाए, सिंपल यही बोला था न्यूटन के पहले लॉ, न्यूटन ने अपने पहले लिया, अगर आपका कोई भी वस्तु किसी भी टाइप का कोई वस्तु है अगर वो रुका है तो वो हमेशा रुका ही रहेगा, ठीक है ना, अगर कोई वस्तु भैया आपका क्या है मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दे, ये कंडीशन है न्यूटन के पहले लॉ। इसमें भैया सुन ले सुन ले
न्यूटन के पहले लॉ के हिसाब से मैं कुछ एग्जांपल को रखूं भैया, जैसे उन्होंने बोला हुआ था उसके हिसाब से बात करें। सुन ले भैया, कभी बड़ी बात हो जाए तो बड़ी बात जो लकड़ी को प्रस्तुत करता है ना, सुन ले, राजमिस्त्री को भी बोल रहा हूँ, राजमिस्त्री जो दीवार जोड़ता है, आप देखे होंगे उस सबके हाथ में भैया एक हथौड़ा रहे है ना, अगर हथौड़ा ढीला हो गया क्या करेगा, सीधा उल्टा भर लेगा, मारेगा दीवार का हथौड़ा, कभी सोचे उसको कुछ नहीं करता है। आप भैया कभी देखते होंगे आपके मतलब मजदूर लोग जो कुदाल चलाता है, कुदाल तो है ना, ये कुदाल को लिया, अगर वो ढीला हो गया सीधा उल्टा कर दो मारता है दीवार में टाइट हो जाता है, सिंपल सा कंडीशन है भाई इसमें। दूसरा कंडीशन एक और ले भैया, आप कभी भी कोई भी दीवार में काटी ठोकते हो ढीला, वो अंदर कैसे जा रहे हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के अंदर है ना, आपका जो हथौड़ा है हैमर है वो स्टक हो रहा है मतलब जाम हो रहा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार, ठीक है। मैं अभी आपको वही चीज करने के बताने वाला हूँ कि भैया कोई भी चीज को बिना हाथ लगाए हुए कैसे हम इसको स्टक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, दो दो कंडीशन है भैया, अलग अलग कंडीशन थे, इससे पिछले वाले बैच को भी मैंने दिखाया था, इसका भी वीडियो लिया, एक शॉर्ट करके डाला गया है ग्रुप के चैनल पे ही है, व्हाइट कलर का उस टाइप का शॉर्ट अपने को अभी भी याद है, और ब्लैक कलर का भी उस दिन पेंट पहना था व्हाइट शर्ट, उसने भी फिर उस पर बड़ा सा चाकू था भैया, आज चाकू नहीं मिल रहा है, रॉड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो रॉड को देख के हो जाता है, फिर हो जाए कन्फर्म हो जाता है कोई है। जो बात नहीं करेगा सुन लो भैया, एक मेरे पास तो भैया चाकू नहीं था, एक लिए गया एक रॉड है, कोशिश करते हैं भैया जहां तक हो सके। कोशिश करते हैं भैया जहां एक जहां तक हो सके, ठीक है सुन लो, एक गंगा खिचड़ी भैया एक मैंने, अरे सुन लो भैया आज इस थोड़ा सा खराब हो जाएगा भैया, देखिए अभी ध्यान से सुन रहा है इसको, हम कुछ नहीं करेंगे अभी, ध्यान से सुनिएगा भैया एक चीज बताना, क्या ये आलू अभी रेस्ट पे है, अब देखो आलू को हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, आलू से हमें कोई मतलब नहीं, आलू क्या चीज पे है रेस्ट पे भैया, आलू को हमें हाथ भी नहीं लगाए, हम सिर्फ मोशन किसको देने वाले हैं, आलू ऑटोमेटिक अपने आप मोशन में आएगा और फिर आके स्टक हो जाएगा, ठीक है देखो जाए होता कैसे है, हमें आलू यहाँ पर है आपका ये देख लिए है ना, और रॉड है भैया हमें क्या करना है सिर्फ मोशन में देना है, हम आलू को कुछ नहीं कर रहे भाई, हम आलू को हाथ तक नहीं लगाए अभी तक, हम ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पड़ के लिए, और बंगाल से कोई काली जादू मंत्र ने लिए समझे ना, अरे समझे नहीं समझे भैया, ये जो आलू का जो भुजिया बनेगा अब इसको कुछ नहीं कर रहे, देखो ध्यान से सुन लो फिर से सुनिएगा, अरे आप एक ही आलू खराब करके ज्यादा नहीं, देखो भाई सिंपल सी बात सुनिएगा, कंसेप्ट ऐसा है कि देखो ये रेस्ट पे है ना, आप मोशन इसको देना चाहते हैं, न्यूटन जी ने क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है भैया अगर वो रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, जैसे ही आप इसको मोशन देंगे उसके हिसाब से झटका इसमें भी लगेगा वो आगे जाके रुक जाएगा, देखिए रुक गया, फिर से जैसे झटका देंगे फिर आके रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, ये तो चाहेगा ना हम रेस्ट पे ही रहे,
इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे भाई, इस आलू को तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो क्या हो रहा है, रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा था ना, ठीक है ना। अब जितना भी कुछ करेंगे क्या सीधा ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये भैया ये कंडीशन है जो न्यूटन के पास, ठीक है।